गुड़गांव द ब्रिस्टल 5 सितारा होटल में MIHM द्वारा क्वीन यूनिवर्स 2019 का ग्रैंड फिनाले गुड़गांव में हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की मिस मिसेज एंड किड्स मॉडलों ने रैंप वॉक से जलवा दिखाया। इस शुभ अवसर पर 40 से ज्यादा मॉडलों ने रैंप वॉक किया। क्वीन यूनिवर्स 2019 के ऑडिशन देश के कई बड़े बड़े शहरों में संपन्न हुआ, जिसमें मिस यूनिवर्स नाज जोशी ने ग्रूमिंग क्लासेस दी, तो वहीं शो डायरेक्टर मिस यूनिवर्स नाज जोशी ने मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाज जोशी है, मैं मिस वर्ल्ड डायवर्सिटी 2018 हूँ और मैं शो ऑर्गेनाइज करती हूँ MIHM गर्ल्स के लिए। और ये हम लोगों का 9th शो था MIHM का, जहाँ हमको 2 विनर मिली है क्लासिक कैटेगरी में, सिमरन तोलानी फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड सीनियर इंटरनेशनल डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। एंड आई होप ये दोनों जो है MIHM की लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करें, और मैं चाहूँगी कि इनके जैसी और होम मेकर्स आगे फॉरवर्ड आएँ और वो लोग जो है अपना करियर बनाएं फैशन में और ब्यूटी में। मैम ऑडिशन कहाँ कहाँ हो रही थी? इसके ऑडिशन हुए थे मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, आई थिंक दिल्ली का अपने रिकॉर्ड किया भी था, गुवाहाटी में, चेन्नई में, बैंगलोर में। मैम जो यहाँ पर जो विनर है उनके लिए प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा? इन लोगों को जो है जो मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो है वॉकिंग टोर्स से। डॉक्टर दीपांकर कश्यप फिर वो जो है मॉडलिंग एजेंसी के ऑनर हैं और वो इनको जो है मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट देंगे और 1 साल के लिए लोग मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आगे जाके 1 साल तक ये लोग जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करेंगे। एवरीवन, मैं डेज़ी बसुमतारी, मैं असम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं बैंगलोर कर्नाटक में अपनी स्टडीज और अपना जॉब कर रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ब्यूटी पेजेंट जीतना एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है और ये मैं 6.5 साल से कर रही हूँ और अभी तक का ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल क्राउन है और ये अभी तक की मेरी सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है। सो इसके स्कोप से मुझे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ बहुत काम करने मिलेगा, साथ ही साथ अपने कंट्री को और रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ सबको आगे बढ़ाने के लिए। क्या सोचा है आगे के लिए? मैंने सोचा है कि मैं और काम करूँगी, इंटरनेशनल शोज करूँगी, इंटरनेशनल मैम के साथ जुड़ी रहूँगी, MIHM को और ज़्यादा आगे बढ़ा चाहती हूँ क्योंकि MIHM एक ऐसा शो है जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसकी आप हमेशा से एक्सपेक्टेशंस करते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी है और इतनी ज़्यादा ये अचीवमेंट मुझे आज मिली है। सो मैं बहुत ही दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मिसेस आर्ट यूनिवर्स 2017 डरबन। अभी मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ MIHM का साथ और ये 5 सालों से मैं असम का लड़की लोग को ये MIHM के जरिए मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ और सबसे ज़्यादा हम लोग का गांव का जो लोग लड़की है जो जिसका टैलेंट है उनको ला के मैं ये MIHM का जरिए मैं प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। अभी मेरा 5 कॉन्टेस्टेंट थे, 3 कॉन्टेस्टेंट घूमे विनर बन गए, ये मेरा बहुत खुशी हो रही हूँ मैं और क्या इसीलिए MIHM जिंदाबाद मेरे लिए। थैंक यू, ज़्यादा गाइड करती हूँ कि इसी गाइडिंग की वजह से आज हम Hello, my name is Dinesh Mohan. I'm a model and an actor. I'm here today as part of the jury for the lovely contest, Queen Universe, organized by Naz Joshi. I'm so happy to be here. This is a beautiful platform to upcoming models and Naz is doing so much in the field. And congratulations to everybody, to the organizers. It's a very nice event. Very happy to be here. जी, बहुत अच्छी बात है और पेरेंट्स के लिए हैट्स ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस के वो बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं, ये सही उम्र है टैलेंट को एनकरेज करने की। रेडी बोल दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे मिसेस क्वीन यूनिवर्स का जो कॉन्टेस्ट हो रहा है। स्पेशल बात यह है कि कॉन्टेस्ट एक खास इंसान करा रहा है, आइज़िया जोशी, जो कि मिस वर्ल्ड डिविनिटी जीत कर आई हैं और उनका ये मुहिम है कि आपका शरीर मैटर नहीं करता, आप छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, हर किसी को उन्होंने रैंप पर उतारा है और बहुत खूबसूरती से उनको सामने लेके आई हैं, खुद सिखाया है। और मैं और भी ज़्यादा स्पेशल फील कर रही हूँ क्योंकि जब वो मिस डाइवर्सिटी के लिए गई थी तो मैंने ही उनको ट्रेन किया था, तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मेरे शिष्य ने इतना अच्छा नाम कमाया, ना सिर्फ पूरी दुनिया में
बल्कि आई थिंक पूरे विश्व में अब वो अपने नाम को फैला रही हैं अपने कॉन्टेस्ट के थ्रू। और ये कॉन्टेस्ट कुछ कॉजेज के लिए भी किए जाते हैं, जो कॉजेज ये हैं कि जितनी भी अनप्रिविलेज्ड लेडीज़ हैं उनको हम लोग हाथ पकड़ के सामने लाएं और उनको इस लायक बनाएं कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सकें। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं क्या लगता है उनको फ्यूचर में क्या क्या पहुंच सकता है? देखिए पार्टिसिपेंट्स आजकल मॉडलिंग की दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर शेप हर साइज़ को कोई ना कोई काम मिलता है। डिज़ाइनर्स हैं वो आजकल प्लस साइज़ की लेडीज़ के लिए भी कपड़े बनाने लगे, उनकी ज़रूरत है तो उनको मॉडलिंग के फील्ड में, प्रिंट मॉडलिंग में, टेलीविज़न पे, या अगर वो एंकर बनना चाहती हैं या अगर एक्टिंग में जाना चाहती हैं, बहुत से फील्ड्स खुले हैं। और जब इनकी पिक्चर्स फ्लैश होंगे चारों तरफ तो मुझे मालूम है कि हर एक बच्चा बहुत अच्छे से प्लेस हो जाएगा। हेलो, माय नेम इज़ आशीष गिरी, आई एम मिस्टर नोट 2018 विनर्स, आई हियर एज अ ज्यूरी मेंबर। और क्या लगता है कि आने वाले जितने भी बच्चे अभी पार्टिसिपेट किए हैं या युवाओं को अवार्ड किया है, क्या लगता है फ्यूचर में क्या उनको मिलेगा? देखिए जितने भी यहाँ पे मॉडल्स कंटेस्टेंट हैं वो सारे एक बहुत टैलेंटेड है, उनको बहुत काम मिलेगा जिससे वो काम कर रहे हैं। बस कभी मेहनत ना पीछे छोड़े, मेहनत ना छोड़े, मेहनत करेंगे तो कुछ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ शिखा शर्मा, आई एम ए प्लस साइज मॉडल ऑल्सो, आई एम ए ब्लॉगर ऑल्सो, आई एम ए जर्नलिस्ट ऑल्सो, आई बिलोंग टू फैशन सिंस लॉन्ग। बहुत खुशी होती है जब आइजिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म देती है लोगों को, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, खुद भी रिप्रेजेंट कर रही है मॉरिशस में अपने आप को, करने वाली है आई थिंक विद इन टू मंथ्स, और अभी आज क्वीन यूनिवर्स उसने ऑर्गेनाइज़ किया है, इतने सारे किड्स हैं, मिसेस कैटेगरी है, मिस कैटेगरी है, सबको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि मतलब ऐसे लोग आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ें तो अच्छा लगता है। आईजे इज़ अ ट्रांसजेंडर और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बींग इन द फैशन फील्ड ऑल्सो, बींग जर्नलिस्ट ऑल्सो, बहुत खुशी हुई, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आइजिया के साथ। आई एम डॉक्टर कपिल किशोर एंड आई एम चेयरमैन एंड फाउंडर वात्सल्य चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड आई एम हियर फॉर दिस लवली कॉन्टेस्ट एंड नाज जोशी हैज़ रियली डन अ वंडरफुल वर्क एंड द वे शी हैज़ ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम दैट वॉज सो वेरी वंडरफुल एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स दे वर लाइक रियली दे हैव डन वंडरफुल जॉब their catwalk, their outfit, attire, their hairstyling, makeup and their confidence were like really wonderful. And what I have seen very interesting in this contest is that I am Dr. Pratik Sondhi. I am a dermatologist. I am the co-founder and director of Derma Circles, which is a skin and hair clinic founded by dermatologists from AIIMS, and I was invited here as a jury member and I am really glad to be here. So the program was very nice. There were a lot of ladies, the little princes, princesses and many Mrs. Indias who showcased their talent and they showed how confident they are and how full of glamour and beauty our world is. Thank you. I congratulate each and every one of them. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में और फिजियोलॉजी पढ़ाती भी हूँ, ओबीडी भी देखती हूँ और इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई एम जस्ट टू हैप्पी टू हैव इट। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग नेम, क्वीन यूनिवर्स इज एनीवेज अ बिग नेम एंड नाउ अब ये है कि आगे जाके बहुत कुछ करने का स्कोप है। दिस इज द प्लेटफॉर्म विच नाज मैम हैज़ प्रोवाइडेड अस एंड नाउ वी हैव टू टेक इट फर्दर एंड उस चीज़ को और बड़ा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है एंड विल डू दैट इन हर गाइडेंस ओनली। मेरा नाम सिमरन तोलानी है, मैं मुंबई उल्लासनगर से हूँ। I'm a housewife. I have two lovely kids. I'm so happy to receive this crown. आगे जाके क्या करने वाली हैं? आगे जाके I'll be promoting MIHM and as ma'am said that I'll be promoting the transgender community and I'm very thankful to her. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।